हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ अलग क्राफ्ट से बनाने की चीज़ लेके आई हूँ। आपको पसंद आएगा, बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है। क्राफ्ट पेपर से कप आइसक्रीम बनाने के लिए, और उसे कप केक भी बना सकते हैं कलर का थोड़ा सा फर्क करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। सबसे पहले एक क्राफ्ट बुक। अगर आपके पास क्राफ्ट बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई ड्राइंग बुक भी ले सकते हैं, नॉर्मल वाली। दूसरा, हमें एक क्राफ्ट पेपर चाहिए, एक लाल कलर का। और इरेजर, शार्पनर, पेंसिल, फेविकॉल और कलर। कलर आप जो पसंद है आपको यूज़ कर सकते हैं। चलिए फिर देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम उसको ट्रायंगल मोड़ेंगे, ट्रायंगल शेप में। फिर उसको स्लाइडिंग में ट्रायंगल मोड़ेंगे एक साइड से, और दूसरे साइड से भी थोड़ा गैप देते हुए अब इधर का भी ट्रायंगल हम मोड़ देंगे, कॉर्नर को बराबर करेंगे शेप से। एकदम बराबर मोड़ देंगे, हाथ से प्रेस कर देंगे। अब ऊपर से राइट साइड नीचे मोड़ेंगे और एक पीछे वाला पेज पीछे के साइड। ये देखिए फ्रेंड्स, बन गया हमारा क्राफ्ट का कप। अब हम इसको अपने बुक पे, कोई भी ड्राइंग बुक या क्राफ्ट बुक में पेस्ट करेंगे। उसको फेविकोल की मदद से हम चिपका देंगे। ये मेरे बेटे की क्राफ्ट बुक है, इसमें से हम आपको एक एक करके सबको सिखाएंगे बनाना क्राफ्ट से। चलिए न्यू पीस खोल लेते हैं और उसमें अपने कप को गम की सहायता से चिपका देते हैं। चलिए पहले गम लगा लेते हैं। ये चीज़ बच्चों को बहुत पसंद आती है, फेविकॉल को लगाने का वो कभी भी करने नहीं देते। ये काम मम्मी को नहीं करने देते हैं। वेरी गुड। आप इसके चारों तरफ में किनारों पर अच्छे से गम लगा देंगे, जिससे हमारा क्राफ्ट पेपर थोड़ा मोटा है और वो अच्छे से इस पर चिपक जाए और निकले ना। गम थोड़ा सा कम हो गया है, हाँ, नीचे के साइड। जहाँ नीचे फिंगर है
अब लगाओ। बस हमारा अब ये गम का काम पूरा हो गया है। अब चलिए इसको एकदम बराबर नीचे चिपका देते हैं और हाथों की मदद से उसको प्रेस करके रखते हैं 2 मिनट तक, जिससे कि वो अच्छे से चिपक जाए। बस चिपक गया है वो, बस करो। अब ये वाला जो इसका अपर साइड है उसमें हल्का सा गम लगा के और उसको चिपकाना है। बस थोड़ा सा, बस दबा दो। हाँ अब यहाँ पे ऊपर कॉर्नर पे, अब इसको नीचे के साइड लगा दीजिए। बस अब इसको हाथ से दबा दीजिए। ये हमारा कप तैयार हो गया है। चलिए हमने कलर निकाल लिया है, पिंक और रेड। पिंक कलर हम अंदर इसके भर देंगे, स्लोली बाहर ना निकले। स्लीपिंग ओनली, कलर डायरेक्शन सही नहीं है आपका। आज मेरे बेटे को ये कलर करना है, मैंने कहा मम्मा आप वीडियो बनाओ और मैं कलर करूँगा और मैं बनाऊँगा। इसके लिए वो कैसा भी भर रहा है, क्योंकि अभी वो छोटा है, अभी वो 6 ईयर्स का है, तो कलर उसको थोड़ा अच्छे से भरने नहीं आता है। फिर भी वो अपना सब ड्राइंग क्राफ्ट खुद ही बनाता है, थोड़ी सी हेल्प लेके मेरी। प्रोजेक्ट तो मेरा ही है ना। और ये क्राफ्ट बुक भी इसका ही है, स्कूल का। हो गया, वाओ वेरी गुड। अंदर के साइड करो, डार्क होना चाहिए। गोल बनाओ राउंड करके थोड़ा डार्क। वेरी गुड, कलर तो अच्छा भर रहा है ये, आज अकेले ही भर रहा है, अच्छा भर रहा है। थोड़ा सा और शेडिंग करो उसमें, रेड कलर से डार्क करो आउटलाइन। ये जो ब्लैक स्पॉट है वहाँ पे करो रेड कलर से।
ओके, अब मैं थोड़ा सा इसमें कुछ फिनिशिंग दे देती हूँ, इसको कंप्लीट कर देती हूँ थोड़ा। हम पेंसिल की सहायता से हल्का हल्का बस, और ये जो कर्व बनाया है इसको हल्का सा शेडी लुक दे देते हैं। नहीं, ब्लैक नहीं करना है इसको बेटा, बस। और ये हमारा तैयार हो गया है कप केक। आप अगर यहाँ टॉप पर एक चेरी और जो इसके स्टेप हैं वो अलग अलग कलर के बनाएंगे, और यहाँ पर एक टॉप पे चेरी, रेड कलर की चेरी बनाएंगे, तो ये हमारा कप आइसक्रीम भी बन जाएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो हमारा क्राफ्ट सेक्शन का पसंद आया होगा। ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग और अलग लेकर आएंगे आगे हम आपके लिए। ये फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए, जो फर्स्ट में पढ़ते हैं उनके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। यस, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारा अगला वीडियो जब आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगी, बेल आइकन से ये होगा। ये हमारी तीसरी वीडियो है, हमने कोशिश किया अपनी तरफ से कि हेल्पफुल रहे। बाय गाइस, बाय 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 गाइस।